ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। और आज भी मम्मा की याद इतनी ताजी होती है, जिस प्रकार से जनवरी मास आता है तो बाबा का दिन याद आता है, बाबा 18 जनवरी अभी अब हुए थे, और जब जून मास आता है तो मम्मा की याद आती है, क्योंकि हम इतने भाग्यशाली कहेंगे अपने को, कोटो में कोई, मैं यहाँ से पार्टी लेके गई थी, जाना था गंगे दादी जी को, दादी ने कहा तुम चली जाओ पार्टी लेके, मैं फिर जाऊँगी। मैं कहा ठीक है, मैं पार्टी लेके चली गई, और जब पार्टी को लौट के आना था, और उन्हीं दिनों में मम्मा की तबीयत भी ख़राब थी, मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि जो बॉम्बे से रमेश भाई का फ़ोन आया बाबा के पास कि बाबा मम्मा के लिए तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि 3 महीना 4 महीना की है, तो बाबा ने कहा ये तुम मुझे क्यों बताते, तो तुम मम्मा को बताओ। अब विचार करो, किसी को बताया जाए कि आपकी लाइफ 3 महीना की है तो वो 3 महीना की लाइफ में तो घबरा जाएगा, अब मेरा क्या होगा, चारों तरफ संकल्प चलेंगे, इतना बड़ा यज्ञ है, इतनी सारी संभाल है, मम्मा सबको देख रेख करती थी, सुनाती थी, समझाती थी, तो मम्मा को बताया, लेकिन मम्मा बिल्कुल अचल और अडोल थी, मम्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मम्मा कहती थी कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है, अंतिम घड़ी समझो, तो जो मम्मा सबको पाठ पढ़ाती थी वह अपने पर प्रैक्टिकल दिखाई दिया, और मम्मा हमेशा कहती थी कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है, जो बाबा श्रीमत दे रहे वो मैं कर रही हूँ, जो वो करन करावन आर नहीं कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, और अगर कोई मम्मा की महिमा करता था तो मम्मा कहती थी ये तो पिता प्रसाद है, जो उस पिता ने प्रसाद के रूप में दिया वो मैं भी दे रही हूँ, इसमें मेरा क्या है। तो ऐसे ही मम्मा के अंदर इतनी दृढ़ता थी, ड्रामा पे इतना अटल निश्चय था कि जो हो रहा ड्रामा अनुसार। फिर मम्मा जब मधुबन आ गई और वो लास्ट दिन था, तब मेरी पार्टी की वापसी थी, लेकिन इतना स्पष्ट बाबा ने भी नहीं बताया कि आज ही मम्मा जाएगी, तो मम्मा इतनी बीमार थी, मम्मा को उठा के तकिया लगा के बाबा ने बिठा दिया, जो बाबा ने अपने हाथों से अंगूर की बेल लगाई थी, तो बहुत बड़ा बगीचा था, जो अपना ये है ना मेडिटेशन हाल, ये सब अंगूर के बगीचे थे, जहाँ बाबा की झोपड़ी है, कुटिया है, वो अंगूर अभी भी थोड़े बहुत यादगार है। तो बहुत अंगूर आया था, इतना अंगूर आया था कि बाबा ने उन अंगूरों को गत्ते के बॉक्स में भर के, मैंने पहली बार सीखा कि वो सड़े नहीं तो सूजा लेके मोटा छेद किया अपने हाथ से, इसको हवा लगती रहेगी, और अंगूर के पत्तों के बीच में रखा कि उसको चोट न लगे अंगूरों को। फिर जितने भी सेवा केंद्र थे बाबा ने सब जगह अंगूर भेजे, इतने अंगूर निकले टोकरे के टोकरे, बॉक्स भर भर के। फिर चाहे पार्टी के भाई बहन आए थे और चाहे मधुबन के निवासी जो भी थे, तो बाबा ने कहा कि मम्मा आज अंगूर टूटा है और आपको बच्चों को अपने हाथ से खिलाना है। तो इतनी ताकत मम्मा में नहीं थी, लेकिन लास्ट दिन लाइन लगा करके बाबा के मम्मा के हाथ में अंगूर रखती थी लच्छू दादी, और बाबा हाथ को सहारा देके मम्मा से दिलवाते थे, तो मम्मा ने अपने हाथ से सबको अंगूर दिया, अच्छे से दिया और प्यार की दृष्टि दी। जब मेरी बारी आई दृष्टि लेके मम्मा के हाथ से अंगूर लेने का, तो मेरे से पूछा गंगे क्यों नहीं आई है, तो मैंने कहा मम्मा जब मैं जाऊंगी तब, उन्होंने कहा मैं बाद में आऊंगी, कहा अच्छा तो तुम मेरी गंगे को याद देना, मैंने कहा जी मम्मा मैं ज़रूर याद दूंगी। लेकिन जिन जिन की टिकट बनी थी तो बाबा ने कहा वो भले जा सकते हैं, मम्मा से मिल लिया, मम्मा ने विदाई दे दी है, वो भले जा सकते हैं, तो हम तो चले आए हमारे ट्रेन का टाइम, उसके बाद ही मम्मा ने शरीर छोड़ा। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो एक आश्चर्यजनक बच्चों के लिए बात हो गई, पर बाबा ने कहा कि किसी को रोना नहीं है, कोई मम्मा के लिए आंसू नहीं बहाएगा, सबको पक्का कर दिया,
और चलो बच्चे अभी थोड़ी देर में मम्मा को हिस्ट्री हॉल में रखेंगे और वहीं सब योग लगाओ और बाबा भी योग लगाएगा। बाबा भी ऑलमाइटी से लड़ाई करेगा कि मेरे बच्चों की माँ को क्यों ले लिया तुमने, माँ को क्यों बुला लिया, वापस करो। तो ये तो पता है कि वो शरीर रहने लायक नहीं है, लेकिन बाबा ने सबकी बुद्धि को इस तरह से बांध दिया और सब इसी योग में बैठे हैं। बाबा कह रहे हाँ बच्चे इतना योग लगाओ कि मेरी माँ को बाबा वापस करो और देखना लाल माइटी वापस करेगा। तो लास्ट तक यही चलता रहा। बाबा कहे मैं भी करता हूँ, मैं भी योग लगाता हूँ कि मेरी माँ बच्चों की माँ को भेजो। तो किसी ने एक आंसू नहीं बहाए लास्ट तक। बाबा ने कहा बच्चे कभी होपलेस नहीं होना, चिता से भी उठ के तुम्हारी माँ आ सकती है। फिर उसके बाद में एक बहन आई, उसका मम्मा से बहुत प्यार था, मुझे नाम भी याद है। तो वो वहीं गेट से जैसे होता ना रोना शुरू कर दिया। तो बाबा ने उसको जाके बहुत सीरियस रूप में कहा तुम यहाँ परेशानी करने आई हो, मना आप सोच प्रकट करने आई हो। वो बेचारी चुप हो गई। तो मम्मा के प्रति बाबा ने किसी को आंसू नहीं बहाने दिया। तो जैसे मम्मा अचल थी, अडोल थी और निश्चय था ड्रामा में, तो सब बच्चों को भी फिर बाबा ने पाठ पढ़ाया। तो इस तरह मम्मा का जो लास्ट दर्शन था वो भी हमको मिला, मम्मा के हाथों से ही प्रसाद मिला। जब साथ में रहे 6 महीना तब तो बहुत टोलियां खाई, लेकिन ये मम्मा के हाथ से अंतिम भी मिला। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि मेरा बहुत बहुत सौभाग्य था। तो इसलिए जो माँ की पालना मिली है